हरे कृष्णा बच्चों। तो अभी हम लोग इस वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और जिससे जब हम क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे तो जिसको हम आगे कहेंगे नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो देखो ये बेसिक है, मतलब बिल्कुल। अभी हम यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, करंट लॉ ये कहता है कि जिस पॉइंट पे जितना करंट वहां पे आया है उतना करंट वहां से बाहर जाना चाहिए, मतलब कि किसी पॉइंट के ऊपर चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता। इसका मतलब इस पॉइंट पे कितना करंट आया, आई वन करंट आया, तो इट शुड बी इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री, मतलब कि जो करंट यहाँ से बाहर गया है उसके बराबर रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखो कि ये क्वेश्चंस में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम हमें अभी दे दी गई है, तो इस प्रॉब्लम में अभी हमसे पूछ ले कि फाइंड द करंट इन ईच वायर। अभी हमें ये तीन वायर्स हैं, इन तीन वायर्स के अंदर अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो बहुत ही अच्छा तरीका रहता है ये, जिसको हम कहते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में क्या किया जाता है, ध्यान से देखना बच्चों। तो हम लोग क्या कर देते हैं, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, जहां से ज्यादा चीजें आसानी से लिखी जा सके। जैसे यहाँ का जीरो मान लिया तो यहाँ का खुद कितना हो गया, जीरो। मैं आपको देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब तक एक वायर में हम लोग चलते रहें और वहां पे रेजिस्टेंस ना आए या बैटरी ना आए, तब तक हम ये कहते हैं कि वहां पे पोटेंशियल सेम रहेगा। समझ में आया? तो मैं आपको दो एक सिंपल सी बात हरदम ध्यान रखना अपनी जिंदगी में, कि वायर विद जीरो करंट एंड रेजिस्टेंस नॉन जीरो, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है, जीरो। और दूसरी बात कि करंट नॉन जीरो हो लेकिन रेजिस्टेंस जीरो हो तब भी कितना आता है, डेल्टा वी, जीरो। तो मतलब कि वायर विदाउट रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड वायर विदाउट करंट, द बोथ आर यूजलेस, उनके कारण से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। जैसे यहां पे हमने कितना मान लिया, जीरो मान लिया, हर एक जगह जीरो मान लिया, तो यहां पे कितना हो गया, देखो ए बी सी तीनों पे जीरो हो गया, तो एफ पे कितना हो जाएगा, एफ पे हो जाएगा बच्चों +10। क्यों? क्योंकि हमें पता है अक्सर यहाँ से यहाँ पे जब हम लोग ऊपर की तरफ उठे तो बैटरी को जब क्रॉस किया तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गए, +10, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया हुआ है बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लो। तो अभी यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पे जीरो था, तो यहाँ पे ऊपर उठे, यहाँ पे ऊपर उठे, तो इस पॉइंट पे कितना हो गया पोटेंशियल, ये हो गया 30। और यहाँ से ऊपर उठे तो ये हायर से लोअर गए, हम लोग हायर से लोअर गए तो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगी, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, -14। अभी हमें पता है सर इसी पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो इसका कितना मान लिया, एक्स। ठीक है, ये रहता है नोडल एनालिसिस कि आप ऐसे पोटेंशियल्स मान लो। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम ये कहते हैं सिंपल सी बात है कि सर देखो इस ई पॉइंट पे जितना करंट आया होगा उतना करंट यहां से बाहर गया। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो कि सर मान लो कि नहीं भी, जिस तरफ भी आपकी इच्छा करे कि इस तरफ से करंट आया, इस तरफ से करंट आया, इस तरफ से करंट आया, जिस तरफ से आया उस तरफ मान लो और जिस तरफ गया उस तरफ मान लो, कोई दिक्कत नहीं रहती। बस ध्यान ये रहे कि जिस तरफ आप करंट के जाने की डायरेक्शन मान रहे हो तो पोटेंशियल लिखते टाइम हरदम याद रखना कि ये हायर पोटेंशियल माना जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल माना जाएगा। जिस तरफ आपने करंट मानना है ना, कि यहाँ पे गया करंट, तो हरदम लिखना वी एक्स माइनस वी वाई अपॉन उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस आ रहता तो, जैसे कि अभी इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं ऐसा कह देता हूँ कि चलो भाई इस तरफ से करंट आया, इस तरफ से भी करंट आया और इस तरफ करंट गया। देखो जो पॉजिटिव होना होगा वो अपने आप आ जाएगा और जो अपोजिट होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। तो अभी हम क्या कहेंगे, इसी पॉइंट पे इन दोनों तरफ से करंट आया, तो मैंने इन दोनों करंट्स को नाम दे दिया कि भाई ये हो गया आई वन, ये हो गया आई टू, और इस तरफ कितना गया, वो हो गया आई थ्री। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन क्या बन गई, आई वन प्लस आई टू इज इक्वल्स टू आई थ्री। ठीक, अभी हम क्या लिखने लगे, हम लिखेंगे आई वन की वैल्यू क्या होगी, आई वन की वैल्यू होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, कितना था यहाँ पे, 10 था, यहाँ पे कितना, एक्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो गया, 10 माइनस एक्स इसके अक्रॉस, एंड इस रेजिस्टेंस की खुद की वैल्यू कितनी है, 1। तो हम क्या कहेंगे, आई वन की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, आई वन की वैल्यू लिखी जा सकती है 10 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस आई टू की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, भाई यहाँ का पोटेंशियल 30, यहाँ का कितना एक्स और कितना रेजिस्टेंस है 2, तो क्या लिखा जाएगा, 30 माइनस एक्स बाय 2
शुड बिकम इक्वल टू, जो आई थ्री इस तरफ गया, इस तरफ गया तो अभी देखो कहां से कहां गया, एक्स से -14, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, एक्स माइनस ऑफ -14 बाय कितना हो गया, 2। फाइन, तो अभी इस वैल्यू को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग सोल्व करेंगे तो देख सकते हैं कितना आंसर आएगा। जहां तक ना थोड़ा जल्दी कर लेते हैं कैलकुलेशन, ये माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स बाई टू तो ये कितना हो गया, और इस तरफ भी प्लस एक्स बाई टू तो ये होगा माइनस थ्री एक्स बाई टू, इस तरफ गया तो ये हो जाएगा 2x इस तरफ, और इस तरफ की टर्म्स क्या होगी, 10 + 15, और वो प्लस 14 हो गया था, ये प्लस 14 हो गया था, प्लस 14 बाई टू हो गया 7, 7 इस तरफ आया तो कितना होगा -7, ये आ गया 2x के बराबर, ये हो गया 8, 10, 8, 18, 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। अभी देखो जैसे x का वैल्यू 9 आया उसके बाद हम कहेंगे सर अभी देखो हम क्वेश्चन सोल्व करने लगे, आपसे क्या पूछा, करंट इन ईच वायर, करंट इन ईच वायर निकालने के लिए बच्चों क्या कर दो फटाफट से, आपको पता है कि यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का 9 है, यहाँ का कितना है 10, तो हम क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 10 - 9 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना 1, तो करंट भी कितना आया 1 एम्पियर, तो इस पूरी वायर के थ्रू कितना करंट हो गया 1 एम्पियर। ठीक, अभी इसकी बात की जाए तो इसकी बात भी कर सकते हैं, 30 - 9 डिवाइडेड बाय ये, तो ये आई वन भी पता चल गया, आई टू भी पता चल गया और आई थ्री पता चल गया। इस तरीके से आपको पूरी वायर में हर एक जगह पे करंट रेजिस्टेंस सब पता चल गया। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।